देखो ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, पता हुड्डा साहब को भी है हमें भी है कि हमारी सरकार हमारे पास बहुमत है और उसी के आधार पर हम सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, राज्यपाल से इसलिए मिलेंगे। नहीं नहीं वो मिले, राज्यपाल तो सबके होते हैं, मिले वो कोई इतराज नहीं उसमें। जो एक राज्यसभा की सीट खाली हुई है उसको लेकर के तमाम सियासी दांव पे चल रहे हैं, कांग्रेस को लगता है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग कर लेंगे, इसीलिए वो चाहते हैं कि इनकी सरकार गिरनी चाहिए। आप कर लेंगे या कुछ आपका आसानी से बन रहा है राज्यसभा? हमें कोई हॉर्स ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको कहा कि हमारे पास आवश्यक संख्या बल है। एक अहम बात सर कि उन्होंने अभय चौटाला ने एक बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमें इंडिया गठबंधन में नहीं आने दिया, अगर वो आए होते तो बाकी जो 5 सीटें हैं वो हम जरूर हासिल करके दिखाते, केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से इंडिया गठबंधन 5 सीटें नहीं ले पाई। देखिए ऐसे गुना भाग लोग करते रहते हैं और वो अर्थहीन होते हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं होता। कैसे आ जाते हैं भाई बिना मतलब की बात करना, ये ऐसे थोड़ा होता भाई। एक बात और सर, अभी हाल ही में जैसे कि शमशेर गोप की जो विधायक है उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर इस प्रकार का कोई प्लान कर रही है उनको तो जानकारी की है, तो क्या लगता है? उस पे मेरा मेंबर की बात है, वो जानने उनकी पार्टी जाने, मेरा उसमें क्या है। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों लोग अपने अपने तरीके से दावा कर रहे हैं कि अगले भावी मुख्यमंत्री वही होंगे, आपको लगता है गुटबाजी उनको ले डूबेगी या उनमें से कोई सपना देख पाएगा असली तरीके से? देखिए सरकार बीजेपी की बननी है, ये मुख्यमंत्री के सपने लेके अपने आप को खुश करते हैं तो करते रहे, हमें तो कोई उसका फर्क पड़ता नहीं है। भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, जोर लगा लें कांग्रेस वाले। भाजपा अपने डैमेज कंट्रोल करने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं की बैठक ले रही है, जिले में लोगों से भी सम्मेलन, तो क्या लगता है डैमेज कंट्रोल हो पाएगा जो अभी नुकसान हुआ आप लोगों को? नहीं देखिए ऐसा है कि हर चुनाव के बाद तो ये जांचा ही जाता है अभी क्या क्या बातें रही हैं और क्या क्या और ठीक करने वाली है, वो सभी पार्टियों में होता है। हिसार से लोकसभा प्रत्याशी उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर बड़े जयचंद बैठे हैं, उन जयचंदों ने हमें हरवाया और वो कहते हैं कि हर इलाके में जयचंद है, बाकी आपकी पार्टी में जयचंद है? देखिए मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता हूँ, वो देखो हमारे प्रत्याशी वहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा है, इस बात का तो जवाब पार्टी अध्यक्ष ही दे सकते हैं। क्या वाकई कोई भीतरघात हुआ पूरे चुनाव में आप? नहीं मुझे नहीं पता इस बात। आपकी पार्टी में एक पद एक सिद्धांत एक कार्यबोध सिद्धांत है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री भी है प्रदेश अध्यक्ष भी है, नया प्रदेश अध्यक्ष कब मिलेगा? अब देखिए केंद्र नेतृत्व इस पर विचार करेगा, वो सरकार चुनाव खत्म हुआ है तो जैसे ही देखेंगे वो करेंगे इसको। विधानसभा में बिना प्रदेश अध्यक्ष के आप जाएंगे तो कैसे? नहीं नहीं उससे तो पहले ही कर देंगे जहाँ तक मुझे विश्वास है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए इसमें अनिल विज का नाम? नहीं नहीं अनिल विज का कहीं नाम नहीं है।